विदिशा जिले के पठारी थाने में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नव भारतीय चिट फंड बैंक समिति के संचालकों को उपभोक्ताओं ने घेर लिया। उपभोक्ताओं ने कहा कि पठारी, तेउदा एवं ग्यारसपुर सहित अन्य जगह पर कुछ वर्ष पूर्व एवं नव भारतीय चिट फंड बैंक समिति के नाम से एक शाखा पठारी में डाली गई, जिसमें लोगों ने अपनी बचत के लिए उसमें अपने खाते खुलवाकर अपना पैसा जमा करना शुरू किया। फिर कुछ समय बाद वह समिति पठारी सहित अन्य जगहों से खाता धारकों के रुपए का गबन करके भाग खड़ी हुई, जिसको लेकर पठारी से सैकड़ों लोगों के कई लाख रुपए डूब गए। जिसको लेकर शनिवार को चिट फंड समिति के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा को उपभोक्ताओं ने पठारी थाने में घेर लिया और अपने रुपए वापसी करने की बात कही। साथ ही लोगों ने मीडिया के सामने संतोष कुशवाहा पर लाखों रुपए गबन करने के आरोप लगाए और बताया कि उनके द्वारा कई सालों से लोगों को पैसे देने का कहकर गुमराह किया जा रहा है। वहीं संतोष कुशवाहा का कहना है कि उनका रुपया लोन में डूब गया, जिसकी रिकवरी होते ही पैसा वापस कर देंगे। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप लोगों ने जो थाने में आज भीड़ लगाई है, वो किस संबंध में लगाई है? हम लोगों ने इस संबंध में लगाई है कि हम लोगों का जो रुपया था वो नव भारतीय शाखा के संतोष कुशवाहा की शाखा को हम लोगों ने जमा किया था, जिसमें करीब पठारी का सैकड़ों लोगों का 20-25 लाख रुपए है और उनने अपनी शाखा बंद करके पैसे देने से वो मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास हिसाब क्लियर हो जाएगा, जब हम आप लोगों का पैसा देंगे, ऐसा वो हम लोगों से 2 साल से घुमा रहे हैं। 2 साल से वो मतलब कई चेक दे चुके हैं हम लोगों को और चेक मुझे उन्होंने 4 चेक दिए। जो मैं सागर लेके गया चेक कोटक महिंद्रा बैंक में, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहने लगा इसमें सील नहीं है आपकी। और उस दिन के बाद से आज तक मुझे घुमा रहे हैं, ये 4 चेक हैं जिसमें सील नहीं लगी। मैंने उनसे बोला, निवेदन किया कि सील लगाओ आप, तो वो बोल रहे हैं मुझसे तुम पे जो बने तो कर लेना, मैं इसमें सील नहीं लगाऊंगा। जो भी तुम लोगों की दम हो, तुम लोगों जितनी दम लगा सको वो दम लगा लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, लगभग पठारी में कितने लोगों को ये समस्या है, कितने लोगों का पैसा? पठारी में कम से कम होंगे 100 से 150 लोग। कितने रुपए का लगभग गबन है? कम से कम होगा 20 से 25-30 लाख रुपए का। उसमें मेरे ही अकेले जब 1,80,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने रुपए का हुआ। ये मेरे पास 4 चेक हैं, 45,526 रुपए का एक चेक है और ये ऐसे मेरे पास 4 चेक हैं। मतलब बड़ी एक एक रुपए पूंजी जमा करके व्यापारियों ने इसमें पैसा लगा, पैसा जमा किया था कि भैया हम लोगों को ज़रूरत पे काम आएगा इकट्ठा पैसा। लेकिन ये जो है ना चिट फंड कंपनी भाग गई सबके पैसे लेकर और हम लोगों को बस घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।